ठीक है। आज पहली बात तो मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो आप लोगों से कि आप लोग पहले तो वो लोग जो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी मतलब आज की ट्रेनिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि उनको समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि बेसिक बातें नहीं होंगी, ये थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग है। जैसा कि अभी धामी जी ने भी बताया, ये थोड़ी सी एडवांस है, क्योंकि एडवांस ट्रेनिंग है तो इसलिए ये बिल्कुल जो लोग आज फर्स्ट टाइम है उनको समझ में हो सकता है कि ना आए, तो इसलिए कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो लोग नेक्स्ट टाइम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, और जो उनकी अपलाइन है जिन्होंने उनको इनवाइट कराया है उनसे बैठ करके उसको समझेंगे। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड एबव हैं उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग डिजाइन है, जो कंपनी में ऑलरेडी आ चुके हैं और जो थोड़ा अपने अपने कैरियर को लेकर के सीरियस हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कुछ अपने अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ सीरियस हैं, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग है जो अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं फॉरएवर के साथ। ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है। आज जो आपको मिलने वाला है एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है, और ये फॉरएवर लिंक्स में जो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, जो 11 तरह की इनकम होती हैं, वो सारी की सारी इनकम यहाँ से कैसे मिलेंगी, उसका फार्मूला, उसका मंत्र आपको ये मिलने वाला है यहाँ पे। आज उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है जो लोग 24 घंटे के सर्कल से बाहर निकलना चाहते हैं, या अपनी जनरेशन को भी उसके बाहर निकालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एक सुनहरा दिन है। वो लोग या उन लोगों को एक ऐसा मंत्र या ऐसा एक ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है कि वो लोग अपने आने वाली जनरेशन को किस तरह से 24 घंटे के सर्कल से बाहर निकालें और कैसे फॉरएवर में तरक्की करें, कैसे बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल करें, ये उन लोगों को आज मिलने वाला है। और इसके लिए आपको थोड़ा सीरियसली यहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग अभी आराम से सो करके या कहीं रास्ते चलते हुए या कुछ ऐसा करते हुए कर रहे हो, तो उसके लिए मैं उनसे माफी चाहूंगा कि वो लोग प्लीज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नेक्स्ट टाइम अटेंड कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आधे अधूरे मन से इस ट्रेनिंग को अटेंड बिल्कुल भी ना करें, अपना भी टाइम खराब करेंगे और मुझे भी अपनी बातें कहने के बाद में ये लगेगा कि आपको समझ में ही नहीं आया और मैंने अपनी बात पूरी रख दी। वो लोग जो बिल्कुल सीरियस हैं वो लोग इसको अच्छे तरह से समझें। ये काम एक्चुअल में जो लोग अपने अपने फ्यूचर को, जो मेहनती लोग हैं, उन मेहनती लोगों को उनकी मेहनत से ज्यादा मिले, लेकिन क्योंकि फॉरएवर है, फॉरएवर में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता, तो उन लोगों को आप क्या बोलेंगे? मैं तो उनको क्या नाम दूं, क्योंकि हमारे माँ बाप भी जब हम बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और जब हम काम करना अक्सर उनसे एक उनकी एक उम्मीद होती है कि ये बच्चा कुछ करेगा, कुछ बड़ा, अब ये बड़ा हो गया है, अब ये कुछ करेगा, और हम जब कुछ भी नहीं करते तो उसके बाद में वो हमारे बहुत तरह तरह के नाम रखते हैं। आप सबको पता है क्या क्या नाम रखते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो आप उस उन उन नामों में आपका जो है वो विशेषण ना हो, उन नामों मतलब उस नामों में ना जाएं, तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि इसको इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली समझें। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत बड़ी सक्सेस। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ लोग जो हैं वो सक्सेस का झंडा भी गाड़ रहे हैं। अब अगर बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, बहुत बड़ी सफलता के झंडे गाड़ने हैं, तो फॉरएवर लिविंग क्रॉप से में आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आपके अंदर वो चाहत है, वो डिजायर है, वो वांट्स है आपकी कि मैं ये करूंगा, मुझे ये आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करनी है, तो उन लोगों के लिए है। ये वास्तव में जो है, अगर आप यहाँ पर फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करे हुए लोग हैं, जो लोग अपने हेलीकॉप्टर्स मेंटेन कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी इनकम ले रहे हैं फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट से, यहाँ पर तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख रुपए पर मंथ भी लोग इनकम ले रहे हैं, और जो इनकम टैक्स उतना दे रहे हैं जितना कि लोगों का ड्रीम होता है कमाना, उतना वो इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी अगर सफलताएं हासिल करने के लिए उन लोगों से आप पूछने के लिए जाएं, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े चेक ले रहे हैं, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी सफलता ले रहे हैं, उनसे अगर आप ये पूछने के लिए जाएं
कि जी अपनी सफलता का राज बता दीजिए और वो आप लोगों को मना कर दें और मैं उनकी सफलता का राज आपको बताऊं तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो अगर आप लोगों को वो इतनी बड़ी सफलताएं चाहिए और वो राज पता लग जाए आज, तो मैं वो राज बताने वाला हूं। वो राज है 4cc ओपन बिजनेस या 1+3। ये ट्रेनिंग आपको मैं देने वाला हूँ, ये सफलता की चाबी मैं आपको देने वाला हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक बहुत बड़े राजघराने की का जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे पर एक ताला लगा होता है। जैसे ही उस ताले को खोलते हैं एक चाबी से, तो वो राजमहल भी खुल जाता है और उस राजमहल के अंदर जो कुछ भी है, बहुत बड़े खजाने छिपे होते हैं उस राजमहल के अंदर, वो सारे खजाने भी आपके हो जाते हैं अगर वो चाबी आपको मिल जाए तो। तो आपको वो चाबी मिलने वाली है आज। ये देखिए चाबी लेकर के खड़ा हूं मैं आप लोगों को देने के लिए। तैयार हैं आप? यस। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है। जब ज्वाइनिंग फीस नहीं है तो रिन्यूअल कैसा, कोई किट नहीं है यहाँ पे, कोई ट्रेनिंग चार्जेस भी नहीं है, कोई डिमोशंस भी नहीं है, कोई ओवरटेकिंग भी नहीं है। तो ये सारी बातें ना यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, इसलिए यहां तक तो हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे ही काम करने के लिए बोला जाता है कि आप एक्टिव रहेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, तो दिक्कत आती है। काम करना पड़ेगा, ये बात समझने वाली है। बिना करे कहीं कुछ नहीं है। जॉब करेंगे वहां पर भी काम करना पड़ेगा। अगर अपनी कोई फैक्ट्री मालिक बनेंगे तो वहां पर भी तो काम करना पड़ेगा। आज जितने फैक्ट्री ओनर हैं, क्या वो कुछ भी नहीं करते? उनको कुछ तो करना पड़ता है ना। उनको भी तो, उनके पास भी तो टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको अपनी अगली फैक्ट्री लगानी होती है, उनको भी बड़े बड़े काम करने होते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स को पूरा करना होता है। तो उनके पास बहुत बड़े टारगेट्स हैं, हम भी अपने टारगेट्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बन चुके हैं, जैसे ही हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर का पद लिया, वैसे ही हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ बढ़ गए। उसी तरह से जैसे एक फैक्ट्री मालिक एक फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच लेता है, वैसे ही हम AS बनने के बाद में हमारे को जो ID नंबर मिला है, वो ID नंबर हमारी फैक्ट्री ही तो है। उस ID नंबर पर चाहे जितना भी बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कर सकते हैं, हमारे अपने ऊपर है वो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करने की इच्छा है, सिर्फ बैठे बैठे आ जाए, तो सॉरी, ना काम चोरों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया में। जब जो माँ बाप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जो माँ बाप हमें बाल पोछ करके बड़ा करते हैं, वो भी हमसे उम्मीद करने लगते हैं। जब हम वहां पर भी कुछ नहीं लेके आते, तो वहां पर वो आभूषण देते हैं हमें कि भाई पैदा होते ही और पता नहीं क्या क्या वो हमें नाम दे देते हैं। यहाँ पर भी बात हुई है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर बैठ करके आदमी को बिना करे कुछ मिल जाए। गुरुद्वारे में जब लंगर लगता है ना, तो वहां पर भी एक दिन दो दिन तो फ्री में खाना मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में वहां पर भी सेवा करनी पड़ती है। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ये। तो इस तरह से आप कहीं पूरी जिंदगी बैठा करके कोई भी नहीं दे सकता, है ना। तो इसलिए काम तो हमें करना ही पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, काम क्या करना है, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर काम क्या करना है, देखिए आप एक बहुत ही बड़ी हेल्थ इंडस्ट्री में है, हेल्थ एंड वेलनेस में है। अब जब हेल्थ एंड वेलनेस में है, तो आपको हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री में क्या होता है कि अब सबसे पहले हमें खुद को फिट रखना होता है। मैं अपनी हेल्थ को ठीक रखूं और अपने परिवार की हेल्थ को ठीक रखूं, इसके लिए मुझे कम से कम 1cc का यूजर तो अपने पर्सनल ID नंबर पर होना ही चाहिए। अगर मैं अभी भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, डीओ या कोई भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए, अगर मैं कोई और किसी और कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं दिल से तो फॉरएवर में अभी आया ही नहीं हूँ। मैं अपनी फैक्ट्री लगाने के बाद किसी दूसरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है, अगर मैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और मैं उसी एक पेट्रोल पंप का मालिक अगर दूसरे किसी दूसरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाए, तो इसका मतलब क्या है?
या एक अगर एक जो कंपनी मेरी कंपनी जो चीज बनाती है वो मैं अगर उन प्रोडक्ट्स को, जैसे मेरी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, अब मैं टूथपेस्ट किसी और कंपनी का इस्तेमाल करूं तो क्या है इसका मतलब? मैं ओनेस्ट नहीं हूं अपने काम के प्रति, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हूं। तो एक सीसी का प्रोडक्ट तो मुझे अपने पर्सनल आईडी नंबर पर लेना ही चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और भी है कि मैं, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट होगा तभी तो मैं किसी को कुछ दिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा, उसके बारे में जानकारी दे पाऊंगा। तो इसके लिए भी मेरे पास अपने आईडी नंबर पर कुछ प्रोडक्ट खरीदा हुआ होना चाहिए। एक सीसी हर महीने मुझे अपने आईडी नंबर पर करनी होती है। ये है एक्टिवनेस। इसके साथ साथ मेरे पास, क्योंकि मैं एक बिजनेस में हूं और बिजनेस आप जानते हैं कि दुनिया में जब तक कुछ बिकेगा नहीं तब तक कुछ आएगा नहीं। जितने भी लोग जॉब में होते हैं वो अपनी सेवाएं बेचते हैं, अपनी सर्विस बेचते हैं तो उनको इनकम आती है। जितने भी लोग प्रोफेशनल्स हैं वो भी अपनी सेवाएं बेचते हैं, बदले में उनको इनकम आती है। जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं उनका प्रोडक्ट मूव करता है तब उनको इनकम आती है। यहाँ पर क्योंकि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट मूव करेगा तो इनकम आएगी। हमारे पास 10-15 यूजर होने चाहिए, वो यूजर आगे चल करके प्रमोटर बनेंगे, वो हमें तरक्की दिलाएंगे। तो जो हमारा यूजर प्रमोटर बनता जाए, नए यूजर आते जाएं, इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा। तो कुछ हमारे पास यूजर होने चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4 यूजर लिए हैं, कुल 4 क्या है प्रीफर्ड कस्टमर हैं। ये 4 प्रीफर्ड कस्टमर से टोटल मिलकर के, किसी ने 0.7 सीसी किया, किसी ने 0.3 सीसी किया, किसी ने 1.5 सीसी का प्रोडक्ट लिया, किसी ने अपने फैमिली को की हेल्थ के लिए 5.5 सीसी का प्रोडक्ट लिया, और ये टोटल मिलकर के हो गया 3 सीसी। बस ये 3 सीसी का बिजनेस मुझे अपने यूजर से निकालना है। 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर, 3 सीसी अपने कस्टमर से, अपने यूजर से, उनसे निकालना है मुझे 3 सीसी टोटल बिजनेस। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। आपकी टीम में अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे। आप अगर आप सुपरवाइजर हैं तो एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर दोनों होंगे। और अगर आप मैं असिस्टेंट मैनेजर हैं तो आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे। तो आपको अपनी टीम से जो इनकम आए उसके लिए आपको इतनी एक्टिवनेस जरूरी है। 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पे और 3 सीसी अपने यूजर से। ये है 1+3 यानी कि टोटल ओपन 4 सीसी ओपन बिजनेस। 4 सीसी का बिजनेस अपने अपने बलबूते पर हमें करना है हर महीने। ये है एक्टिवनेस, ये काम करना पड़ेगा हमें। क्या ये मुश्किल है? अगर हमें बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है तो क्या ये 4 सीसी का बिजनेस बहुत मुश्किल है? आप सोच करके देखिए, इसको अगर आप पर डे में इसको लेकर के जाएं तो कितना हो गया? लगभग 2,000 रुपये पर डे की सेल। एक फुटपाथ पर बैठा हुआ, एक जिसके पास अपनी खुद की शॉप भी नहीं है, वो बिजनेसमैन भी कम से कम 2,000 रुपये पर डे की सेल तो करता ही है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। इससे कम तो वो भी नहीं करता। हमारे पास तो वर्ल्ड के मोनोपोली हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इन प्रोडक्ट्स को दूसरों को जानकारी देते हैं, बताते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। एक बार बता करके देना होता है, बाद में ऑटोमेटिकली आती है, और ये आराम से अब पता भी नहीं चलता बाद में आकर के कि ये 3 सीसी कब हो गया, राइट? इस तरह से ये बिजनेस चलता रहता है। और ये देखिए, अगर आप 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर कर रहे हैं और 3 सीसी अपने प्रेफर्ड कस्टमर से कर रहे हैं, ये तो आइडियल पोजीशन है। जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा, 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर, 3 सीसी अपने प्रेफर्ड कस्टमर से, तो ये आइडियल पोजीशन है। ये सबसे ऊपर वाली, ये बेस्ट है। इसके बाद अगर किसी वजह से आपका प्रेफर्ड कस्टमर से 2 सीसी का बिजनेस आता है, 2 सीसी आप अपने पर्सनल आईडी नंबर पर करते हैं, जो कि
चलेगा। एक सीसी आप अपने प्रेफर्ड कस्टमर से करते हैं और 3 सीसी आप पर्सनल आईडी नंबर पर कर लेते हैं, ये भी चलेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रीफर्ड कस्टमर से किसी महीने काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अपने पर्सनल आईडी नंबर पर आपने 4 सीसी का ओपन बिजनेस कर लिया, आपने यूजर्स को अपने आईडी नंबर से खरीद करके दे दिया, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने आईडी नंबर पर अगर 0.999 यानी कि 1 सीसी पूरा नहीं हुआ, कुछ पॉइंट्स भी कम रह गए और आपने प्रीफर्ड कस्टमर से 4 सीसी का भी बिजनेस कर लिया है, तब भी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ये नहीं चलेगा, राइट? तो ये बात समझने वाली है कि हम 4 सीसी ओपन बिजनेस कैसे करें, राइट? अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्यों जरूरी है, ये 4 सीसी ओपन बिजनेस क्यों जरूरी है, ये आपको इस स्लाइड से समझ में आएगा। आप हैं मैनेजर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप मैनेजर हैं, आपने मिस्टर ए का फॉर्म भरा, मिस्टर ए असिस्टेंट मैनेजर हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का फॉर्म भरा, मिस्टर बी सुपरवाइजर हैं और मिस्टर बी ने मिस्टर सी का फॉर्म भरा, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल 5% होता है, सुपरवाइजर का 8%, असिस्टेंट मैनेजर का 13% और मैनेजर का 18%, ये हमें सबको पता है। अब एक मिस्टर सी जो है, जो अभी नए नए असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हुए हैं, इन्होंने क्या किया, अपने कुछ अपने घर पर एक टी पार्टी रखी, कुछ लोगों को इनवाइट किया और इन्होंने अपने अपनी जो जस्ट अपलाइन है सुपरवाइजर, उनको इनवाइट किया अपने घर पर, उनको बोला कि आप मेरे घर पर आइए और मेरे साथ मिल करके कुछ लोगों को आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाइए, यहाँ से कुछ इन लोगों के साथ मिल करके हम काम करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं। सुपरवाइजर साहब ने, जो मिस्टर बी हैं, उन्होंने मिस्टर सी को बेरुखी के साथ बाहर निकाल दिया, उनको बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप यहाँ से निकल जाइए। इन्होंने बड़े भद्दे तरीके से इनको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। कोई बात नहीं, मिस्टर सी एक डायनेमिक पर्सन है, ये इनके ड्रीम्स बहुत हाई हैं, ये नहीं रुके, इन्होंने हार नहीं मानी और ये चले गए अपने असिस्टेंट मैनेजर के पास। इन्होंने वहां जाकर के रिक्वेस्ट करी कि सर मैं आपके मिस्टर बी के नीचे मिस्टर सी हूँ और मैं अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर नया नया क्वालिफाई हुआ हूँ, मेरे पास कुछ न्यू पर्सन है, आप मेरे साथ चलिए और उनके साथ में मैं और आप दोनों मिलकर के बिजनेस करते हैं। मिस्टर ए ने बोला आप मिस्टर बी को क्यों नहीं लेकर के गए, मिस्टर बी ने कहा सॉरी मिस्टर सी ने बोला कि मिस्टर बी ने रिफ्यूज कर दिया है, तो मिस्टर ए ने भी रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने भी और गलत तरीके से रिफ्यूज कर दिया। अब लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मिस्टर सी ने हार नहीं मानी, मिस्टर सी जो है वो ऊपर चले गए, मतलब आपके पास आ गए, वो मैनेजर साहब के पास आ गए और मैनेजर साहब क्योंकि जिम्मेदार पर्सन है, ये इन्होंने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा और आप आ गए मिस्टर सी के पास, राइट? आपने, क्योंकि आप मैनेजर हैं, आप एक जिम्मेदार पर्सन है, आपने और मिस्टर सी ने दोनों ने मिलकर के इस बिजनेस को डेवलप करा और डेवलप करा इन सब लोगों के साथ मिलकर के। मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन लेकर के चल रहा हूँ, लगभग 1,00,000 रुपए का बिजनेस डेवलप करा, 1,00,000 रुपए का बिजनेस निकाला। अब क्योंकि 1,00,000 रुपए पर यहाँ पर नोवेस कस्टमर प्राइस भी मिलेगा, जो ये प्रेफर्ड कस्टमर बेनिफिट मिलेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर को 15%, आपको ये पता है कि 15% भी मिलेगा और 5% भी मिलेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर को, क्योंकि वो असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे हैं, तो इनको 20% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1,00,000 रुपए का 20% मिस्टर सी को चला गया और मिस्टर सी को 20,000 रुपए मिल गए, क्लियर हो गया? अब कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ये पैसा कैसे आगे कैसे बटना चाहिए, 8-5 यानी कि 3% सुपरवाइजर साहब के पास जाना चाहिए,
इसका मतलब 3,000 रुपये सुपरवाइजर साहब को मिलेंगे, और 13 - 8 यानी कि 5,000 रुपये असिस्टेंट मैनेजर साहब को मिलेंगे, और 5,000 रुपये मैनेजर साहब को मिलेंगे, क्योंकि 18 - 13 5% डिफरेंस मिलते हैं। राइट, क्लियर हो गया क्या? अब मेरा एक सवाल है, क्या ये न्याय हो गया? जब सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर अपने घर में रहे, इन्होंने कोई काम नहीं करा, और मैनेजर ने और असिस्टेंट सुपरवाइजर ने दोनों ने मिलकर के काम किया, जिनको बिना करे मिल रहा है, क्या ये सिस्टम की रेस्पेक्ट करेंगे? क्या ये आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, यानी कि मैनेजर? अब क्या असिस्टेंट, मैं यहां पर पूछना चाहता हूं, जितने लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, मैं उन असिस्टेंट सुपरवाइजर से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका पैसा, आपकी मेहनत का पैसा, आपने बहुत मेहनत करने के बाद, बड़ी मशक्कत करने के बाद में जो बिजनेस डेवलप करा, और आपको आपके सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया, उसके बाद उनके पास पैसा जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करा। अब दूसरी कंपनियों में क्या होता है कि ये जो 3,000 रुपये और 5,000 रुपये हैं, ये अपनी जेब में रख लिए जाते हैं, कंपनी के ओनर अपनी जेब में रख लेते हैं, इसको एक डिस्प्यूटेड अकाउंट में डाल देते हैं, इसको किसी को भी नहीं देते। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की महानता देखिए आप, ये कितनी बड़ी बात है। कंपनी कहती है कि ये, अगर कंपनी ने एक सिस्टम तैयार करा कि अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये सॉरी, असिस्टेंट सुपरवाइजर को कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर जो है, कंपनी ने देखा क्या उन्होंने अपनी मेहनत करी है, क्या उन्होंने 1+3 किया है? अगर किया है तो ये जो 3,000 रुपये हैं, ये सुपरवाइजर साहब को मिलेंगे, उनका हक बनता है। अगर उन्होंने काम किया है तो उनका हक बनता है, उनको ये पैसा मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो ये पैसा ऊपर जाएगा। कंपनी ये देखेगी जिसने मेहनत करी है ये पैसा उसको मिले। कंपनी बिल्कुल ये देखती है कि मेहनती व्यक्ति को का हक ना मारा जाए, उसको पूरा पूरा पैसा मिले, उसकी मेहनत से ज्यादा मिले। लेकिन जो नाकारा व्यक्ति, जो काम नहीं कर रहा है, उसको पैसा क्यों मिले? राइट, कंपनी यहां पर देखती है क्या असिस्टेंट मैनेजर ने किया है 1+3। अगर किया है तो ये 5,000 रुपये प्लस ये 3,000 रुपये, 5,000 रुपये तो उनके थे ही, 3,000 रुपये सुपरवाइजर वाले भी उन्हीं को मिलेंगे, यानी कि 8,000 रुपये मिलेंगे उन्हें, किसको? असिस्टेंट मैनेजर को। लेकिन अगर इन्होंने भी नहीं किया, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर ने भी ये क्वालिफिकेशन नहीं करी, तब ये क्या होगा? तब ये पैसा 8,000 रुपया ऊपर जाएगा, और देखा जाएगा क्या मैनेजर ने वो क्वालिफिकेशन करी है। अगर किए तो ये 8,000 रुपये प्लस ये 5,000 रुपये मैनेजर को मिलेंगे, इसका मतलब 13,000 रुपये मैनेजर को मिल गए और 20,000 रुपये असिस्टेंट सुपरवाइजर को मिल गए। ये बीच में से लोग, मतलब ये डाउनलाइन उन्हीं की है, वो वहीं रहेंगे, कहीं वो ओवरटेकिंग नहीं हो रही है, ये ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस महीने जिस महीने इन लोगों ने काम नहीं किया उस महीने इनको पैसा नहीं आएगा, जिस महीने काम करेंगे उस महीने आएगा। बिल्कुल फेयर बिजनेस है, मतलब एकदम से ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह से साफ है, जिस जो मेहनती व्यक्ति है उसको मिलेगा, कंपनी उसको खोज करके उसको पैसा दे रही है। ये एक सिस्टम है कंपनी का, और ये सिस्टम आज से नहीं, 42 ईयर से पूरी दुनिया में चल रहा है, 160 से भी ज्यादा देशों में, और यही कारण है कि लोग इस सिस्टम की वजह से सक्सेस हो रहे हैं, यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पे आउट हमें मिलता है, यही कारण है कि यहाँ बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं इस सिस्टम की वजह से। अच्छा, एक बात करते हैं, चलिए, हम कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि ये
ये वन प्लस थ्री इसको हटाएं, चलो हटाते हैं, एक काम करते हैं, हम अपनी डिमांड रखते हैं कंपनी ओनर के सामने। हमने कंपनी ओनर से डिमांड की कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे दो, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो। फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हमें लग्जरी कार, इंटरनेशनल टूर, हमारे बिजनेस को हमारे बच्चों को दे देना, आगे आने वाली जनरेशन को दे देना, क्वालिटी एजुकेशन दे देना मेरे बच्चों को, और बहुत सारे हमने अपनी डिमांड रखी है। हमने लगभग 20 डिमांड रखी है अपनी, बहुत बड़ी बड़ी डिमांड। दूसरी तरफ कंपनी के ओनर ने उनको सबको साइन करके बोला कि ठीक है, आई एम एग्रीड, मैं ये सब कुछ दूंगा आपको, लेकिन आपको केवल एक काम करना पड़ेगा, केवल 1+3 आपको करनी है। अब आप देखिए, हमारी डिमांड बड़ी बड़ी है या कंपनी की डिमांड बड़ी है, किसकी डिमांड बड़ी है? हम कहीं पर भी काम करेंगे, टारगेट तो हमको मिलेंगे, राइट? तो यहां पर भी बहुत छोटा सा टारगेट है। अगर हम अपने पर्सनल आईडी नंबर पर भी करते हैं तब भी 2000 रुपए पर डे की सेल का ही तो टारगेट है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, राइट? अभी और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन मार्क आप सब लोगों के लिए, एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ 1+3 है, बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में आपको मिलेंगे, मेरे को भी मिले थे जब मैंने कंपनी को शुरू किया था, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर ही मेरे को बोल दिया था। अभी तो देखना, अभी तो आपने शुरुआत ही करी है ना शर्मा जी, अभी तो आप देखना आगे चल करके जब आपको 4 CC करने पड़ेंगे और जब आपको 12 भी करने पड़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं उनसे उनकी मार्केट उनको देखना आप, उनके यहां पर भी एक्टिव रहने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। मैक्सिमम जगह क्या है, मैक्सिमम जगह डिमोशंस है। डिमोशंस का मतलब क्या होता है, आप जिस आपने जैसे सुपरवाइजर बनने के लिए 25 CC करी, 25 CC का बिजनेस किया, 25 CC करके आप सुपरवाइजर बने, राइट? और सुपरवाइजर बनने के बाद आप अगले महीने बिजनेस कुछ थोड़ा सा कम हुआ, जैसे ही बिजनेस कम हुआ 25 CC से कम गया, तो अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, 8% की बजाय अगर मान लीजिए 20 CC का हुआ, तो 25 CC का नहीं हुआ तो 20 CC का 5% के हिसाब से चेक बना के भेज देती हैं, डिमोशन कर दिया 5% पर ले आए 8% की बजाय। मेहनत करके हम पहुंचे 18% पर, किसी वजह से बिजनेस डाउन हुआ, कोई देर नहीं लगती उनको 8% पर ले जाने में और 13% पर ले जाने में, 18 से घटा करके 13 पे ले जाएंगे या 13 से भी घटा करके 8 पे भी ले जाएंगे, ऐसा कई जगह होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप मेहनत करके जिस पद पर पहुंच गए उस पद से ऊपर मेहनत करके जा सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं जा सकते, डिमोशन से नहीं है। अगर एक बार 25 CC करके आप सुपरवाइजर बन गए, अगले महीने 10 CC हुए, आपको 15 CC अपनी जेब से करने पड़े, कितने महीने की 1+3 हो गई। यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको ये बात समझनी है कि डिमोशन चाहिए या 1+3 चाहिए, कौन सी, किसी एक चीज को तो हमें मानना पड़ेगा। 1+3 सफलता की कुंजी है, कैसे है इसको भी आगे बताऊंगा, अभी और आगे चलूंगा। अभी तक आपको कुछ समझ में आया होगा कि 1+3 क्या है, 1+3 हमें क्यों जरूरी है, 1+3 किस लिए करनी चाहिए हमें, और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि हम 143% पर बोनस देते हैं, पूरी दुनिया में कोई कंपनी 143% पर बोनस कभी भी नहीं देती, यानी कि हम अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीद रहे हैं तो 143% का मतलब ये हो गया कि 143 रुपए। अब यहाँ पर ये देखिए किस तरह से आपने एलोवेरा जेल
जो है उसकी बीआरपी है 1524 रुपये, बीआरपी 1524 रुपये है। एफबीओ प्राइस 1524 माइनस 30%, ये आ गया जीएसटी, अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, 1067 रुपये आ गया, 1067 रुपये एफबीओ प्राइस है जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। जीएसटी तो गवर्नमेंट को जाता है, अभी हम यहाँ पर जीएसटी क्योंकि गवर्नमेंट को जाता है, हम केवल कंपनी की बात करेंगे। कंपनी को, कंपनी आपसे लेती है 1067 रुपये एक एलोवेरा जेल पर, और उस पर आपको आपको बोनस देती है 1524 रुपये पर, यानी कि 1067 रुपये का जो प्रोडक्ट कंपनी आपसे, जो जिस प्रोडक्ट पर आपसे 1067 रुपये ले रही है, बोनस दे रही है 1524 रुपये पर, ये कैसे हो रहा है? ये कितनी बड़ी बात है कि हायर रेट पर आपको बोनस मिल रहा है, ये कितने परसेंट हो गया? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1524 गुणा 100, उसको भाग देंगे 1067 से, तो परसेंटेज आ गया 143 रुपये, 167 रुपये का 143 रुपये परसेंट आ गया, मतलब 143% आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 143% पर हमें बोनस मिल रहा है। ये बात पूरी दुनिया में ना, फॉरएवर के अलावा पूरी दुनिया में एक भी कंपनी नहीं करती। अब आप कहेंगे इससे इसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, फॉरएवर लिमिटेड का पे आउट दुनिया में सबसे ज्यादा है। फॉरएवर लिविंग प्लस का सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा है, ये बात मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ। हो सकता है आपको समझ में आज की ट्रेनिंग से आए, या बाद में जब आप 1-to-1 बैठेंगे तब आए, हो सकता है अभी कुछ लोगों के मन में कुछ अभी भी चलते कुछ चल रहा हो, लेकिन हो सकता है कि ट्रेनिंग की खत्म होते होते वो खत्म हो जाए। असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर 1+3 करता है, सिर्फ 1+3 करता है, मैं कहता हूं असिस्टेंट सुपरवाइजर से अगर हम आदत डाल लें अपनी 1+3 करने की, सिर्फ अपने पर्सनल आईडी नंबर पर अगर हम 1+3 करने की आदत डाल लें, मतलब अपने साथ कुछ नए लोगों को एक एक सीसी करा करके 3 लोगों को अपने साथ लेकर के आते हैं, उन लोगों से हम एक एक सीसी करवाते हैं और एक सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर करते हैं, तो हमारा जो इनकम आएगी, जो चेक बनेगा, वो 9,712 रुपए 30 पैसे का बनेगा, राइट? सुपरवाइजर लेवल पर कितना बनेगा? अपने पर्सनल आईडी नंबर पर, यानी कि एक सीसी पर्सनल आईडी नंबर पर किया, 3 सीसी नए लोगों से कराया और उससे जो हमें इनकम आई, यानी कि 1+3 किया, 1+3 करने पर हमें जो अपनी 1+3 करने से जो हमें इनकम आई वो 11,505 रुपए 34 पैसे की आई, प्लस टीम बोनस रहा अलग, यानी कि टीम बोनस एक्स्ट्रा है जो सुपरवाइजर होने पर आता है। वॉल्यूम बोनस या टीम बोनस बात एक ही है, ये आता है सुपरवाइजर होने पर, यानी कि जितने भी सुपरवाइजर की टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे 3% आता है, वो 3% अलग रहा। ये तो केवल अपनी 1+3 करने से 11,505 रुपए 34 पैसे आ जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर अगर हम 1+3 करते हैं तो 12,551 रुपए 28 पैसे अपनी 1+3 करने से आएगा, प्लस टीम बोनस और आएगा, है ना, टीम बोनस प्लस हो जाएगा। मैनेजर लेवल पर अगर हम 1+3 करते हैं तो 17,482 रुपए अपने 1+3 करने से आएंगे, प्लस टीम बोनस अलग रहा। ये आप देख रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू लेवल इनकम बढ़ती जा रही है। ये सीसी कैलकुलेट किया है हमने, मतलब जीएसटी हटा करके, जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है, 14,942 रुपये पर, ये लगभग एक सीसी बनता है। अभी अब देखते हैं, अगर हम 1+3 की पावर देखें तो देखनी है आपको 1+3 की पावर। 1+3 की पावर क्या है? आप देखिए, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, अभी सिर्फ मैं यहाँ पर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से लेकर के चल रहा हूं, पहले महीने असिस्टेंट सुपरवाइजर ने क्या किया, 3 लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया, 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर और 3-3 सीसी, मतलब सॉरी 1-1 सीसी तीनों से कराया, हो गया 1+3।
असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर अगर वन प्लस थ्री किया तो ये वही जो मैंने अभी पीछे बताया था, यहाँ पर आप देखे देख रहे थे 9,000, यहाँ पर मैंने राउंड फिगर में इसको ले लिया 9,000, इसको राउंड फिगर में ले लिया और 4 CC का बिजनेस हुआ। लेकिन और आगे चलते हैं, अगर दूसरे मंथ में हम लेकर के चलते हैं, हालांकि इससे ज्यादा ही होगा, 21,000 से ज्यादा होगा इसमें इनकम, लेकिन यहाँ पर मैंने 21,000 भी राउंड फिगर में लिया है। अब सेकेंड मंथ है, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो हमने पिछले महीने 1+3 करने की आदत डाली थी अपनी, हमने अपनी अपनी अभी हम असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, है ना। असिस्टेंट सुपरवाइजर ने क्या किया, 3 लोगों को, जो पिछले महीने 3 लोग आए थे, इन्हीं 3 लोगों को 1+3 की आदत डाली, इनको भी एक 1+3 समझा दिया, इन्होंने भी 1+3 किया, डुप्लीकेट कर दिया उसे ही, और हमने खुद भी किया, यानी कि 4 CC खुद किया और 3 लोगों ने 4-4 CC किया, कुल मिलाकर के 16 CC का बिजनेस हुआ। इन 3 लोगों ने भी 9,000 रुपए की इनकम करी, यानी कि मैं भी इनकम कर रहा हूं और मेरी टीम भी इनकम कर रही है, राइट। अभी सिर्फ दूसरा महीना है, दूसरे महीने ये 1+3 की पावर देखिए आप, 21,000 रुपए की इनकम आ गई असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर। क्लियर हो रहा है आपको, ये 1+3 की पावर है। तीसरे महीने क्या होने वाला है, 64 CC होगा सिर्फ इसी फार्मूले से, यानी कि केवल वो डुप्लीकेट होता जा रहा है, बस 1+3 डुप्लीकेट होती जा रही है। अब जो मैंने 16 16 CC किए थे, अब मेरी टीम में जो 3 लोग जो नेक्स्ट मंथ आ गए थे वो 16 16 CC कर रहे हैं, और जो 4 5 6 3 लोग और आए थे वो 4 4 CC कर रहे हैं। अब 7 8 9 ये 3 लोग मेरे साथ नए लोग आए इस तीसरे महीने, यानी मेरी फ्रेंड में 9 लोग आ चुके हैं, सब लोग इनकम कर रहे हैं अपनी अपनी। और तीसरे महीने जो मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के काम शुरू किया था, तीसरे महीने पहुंचते पहुंचते मैं कहां पहुंच गया, 80 CC में कर चुका हूं, 2 महीनों की मिला करके 16 CC पिछले महीने के, 64 CC इस महीने के, दोनों के मिलकर के 80 CC हो गए। 80 CC में मैं असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो चुका हूं और मेरी इनकम कितनी हो चुकी है, 41,300, यानी कि कितनी बड़ी बात है। अगर 40,000 रुपए की कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा हो, वो ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो यहाँ पर आकर के तीसरे ही महीने उसने उस जॉब को बीट कर दिया, जॉब की इनकम को बीट कर दिया, और साथ साथ में उसका जो ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लेकर के जाएगा पता है, ये बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे के सर्कल से बाहर निकल चुके हैं और अब तो गेम बहुत आगे आ चुकी है। अब क्या होने वाला है, ये आ गया 4th मंथ, चौथा महीना। इस चौथे महीने जो मैंने 64 CC करे थे, अब मेरी टीम में 3 लोगों ने 64 CC किए, और इसी तरह से 4 5 6 3 लोगों ने 16 16 CC किए, और 7 8 9 इन चार 3 लोगों ने 4 4 CC किए, और 10 11 12 ये 3 लोग नए आए मेरे साथ, और सबको इस तरह से इनकम आ रही है, हर व्यक्ति को इनकम कर रहा है, हर व्यक्ति इनकम कर रहा है, यानी कि टीम भी कमा रही है मैं भी कमा रहा हूँ। लोग कहते हैं जी मैं मतलब हम कमा रहे होते हैं, टीम नहीं आती, मैं कहता हूँ टीम को भी इनकम आएगी, बनी हुई इनकम आएगी, अगर हम कंपनी के सिस्टम से चलेंगे तो, अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे अपने दिमाग से चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन कंपनी के सिस्टम से चले अगर हम, तो कंपनी का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये हमें बहुत तेजी से डायमंड मैनेजर की तरफ लेकर के जा रहा है, बहुत तेजी से सारी अचीवमेंट्स की तरफ लेकर के जा रहा है। यही कारण तो है कि लोग अपनी पर्सनल आईडी नंबर पर 10 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम भी कर रहे हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहीं पर बैठे हुए लोग, मैं बाहर विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में बैठ करके लोग कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 11 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 12 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 8 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ये कैसे कमा रहे हैं, आपकी इनकम यहाँ पर चौथे महीने कौन कितनी की आ गई, 3.5 लाख रुपए की लगभग इनकम आ गई। ये किसके वजह से आई, 1+3 की वजह से। ये है 1+3,
इतनी बड़ी बात है कि 256 सीसी हो रहे हैं इसी महीने सिर्फ, और 256 सीसी प्लस लास्ट प्रीवियस मंथ के हमारे पास 64 सीसी थे, दोनों मिलकर के 320 सीसी होते हैं। 120 सीसी में हम मैनेजर क्वालिफाई होते हैं, मैनेजर बनने के बाद 200 सीसी एक्स्ट्रा होती है हमारी, और क्योंकि 200 सीसी एक्स्ट्रा होती है तो ये 200 सीसी हमारे मैनेजर सर्टिफिकेट में, ईगल मैनेजर बनने में, कार प्लान लेने में, ग्लोबल रैली में, हर जगह जुड़ेंगी, ये और बड़ी बड़ी इनकम की तरफ हमें लेकर के जाएंगी। जो 11 तरह की इनकम फॉर एवर देती है ना, वो सारी की सारी इनकम यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर हम ले लेंगे। लेकिन इसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है और इस सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है, इस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, शंका करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये 1+3 की पावर है। अब जो असिस्टेंट सुपरवाइजर चौथे महीने अगर प्लानिंग करे तो चौथे महीने 3.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले सकता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हम चौथे महीने मैनेजर बन, एक मैनेजर ही नहीं, एक मजबूत मैनेजर बन सकते हैं। और इसके नेक्स्ट मंथ क्या विस्फोट होने वाला है पता है, अगले ही महीने सीनियर मैनेजर, उससे अगले ही महीने सोरिंग मैनेजर, और एक साल के अंदर अंदर तो कहां पहुंचेंगे। आपको क्लियर हो रहा है, ये है 1+3 की पावर। क्या एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हम सपने ले सकते हैं? अब तो कंपनी ने यह भी कर दिया कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर नॉन मैनेजर केवल 200 सीसी भी करते हैं, उनका तो सारा ही नॉन मैनेजर होगा। अगर 200 सीसी भी करते हैं पूरे साल भर में तो आप मैनेजर सर्टिफिकेट क्वालिफाई करेंगे, 750 सीसी करते हैं ईगल मैनेजर क्वालिफाई करेंगे, आप विदेश टूर मिलेगा, यानी कि एक साल के अंदर अंदर हम देश 5-स्टार होटल के टूर्स भी ले लेंगे, वो भी अकेले नहीं अपनी फैमिली के साथ में, अपने परिवार के साथ, चाहे उसमें हम अपनी वाइफ को लेकर के जाएं, चाहे किसी फैमिली मेंबर को लेकर के जाएं, इंटरनेशनल घूमेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। कितनी अच्छी बात है ये। जब हम मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं और मैनेजर के नीचे भी मैनेजर आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक रॉयल्टी इनकम आनी शुरू होती है। रॉयल्टी इनकम किन किन को मिलती है? बुक राइटर्स को मिलती है। क्या हमने कोई किताब लिखी है? कितना मुश्किल होता है एक किताब, एक बुक राइटर बनना, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी बुक राइटर नहीं बन जाता। कितना मुश्किल होता है एक सिंगर बनना, जैसे कि लता मंगेशकर ने गाने गाए तो उनकी कुछ रॉयल्टी उनके जब तक वो जीवित हैं तब तक उनके पास आएगी, उसके बाद उनके बच्चों को आएगी, उसके बाद उनके बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों को, पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी। या कोई साइंटिस्ट, किसी ने कोई आविष्कार करा, उसकी जनरेशन को उसकी उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके जीते जी उसको, उसके बाद में उसकी जनरेशन को। तो साइंटिस्ट को या जो है सिंगर्स को या बुक राइटर्स को, जो बड़े बड़े मतलब बहुत कम लोगों को रॉयल्टी नसीब होती है, बहुत बड़े बड़े लोगों को रॉयल्टी मिलती है, वो रॉयल्टी फॉरएवर के मैनेजर्स को मिलती है। अगर मैंने मिस्टर ए का फॉर्म भरा, जो मेरे जिसका फॉर्म मैंने भरा है, वो मेरा फर्स्ट जनरेशन मैनेजर है, उससे मुझे 6% की रॉयल्टी आएगी। उसके नीचे जो मैनेजर होगा वो मेरा सेकंड जनरेशन मैनेजर होगा, उससे मुझे 3% की रॉयल्टी आएगी। उसके भी नीचे जो मैनेजर होगा उससे मुझे 2% की रॉयल्टी आएगी, यानी कि थर्ड जनरेशन मैनेजर से 2% की रॉयल्टी आएगी। अब यहाँ पर आप देखिए 6% कहना कितना आसान है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ। फर्स्ट जनरेशन मैनेजर की सपोज मान लेते हैं 1 लाख रुपए की इनकम है, अगर 1 लाख रुपए की इनकम है तो मैनेजर को उसका बेनिफिट कितना जाएगा? 6% मैनेजर को 6,000 रुपए। बहुत सारे लोग ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे 6,000 रुपए तो जाएंगे, लेकिन नहीं, 6,000 रुपए नहीं जाएंगे,
क्योंकि इस मैनेजर की इनकम से कोई लेना देना नहीं है। अगर फर्स्ट जनरेशन मैनेजर की इनकम 1 लाख रुपए है तो इसका जो टर्नओवर है वो कम से कम 10 लाख रुपए का होगा, और 10 लाख रुपए का बीआरपी कितना होगा? लगभग 12 लाख रुपए होगा। 12 लाख रुपए का 6% कितना होगा? 72,000 रुपये होगा। यानी कि 72,000 रुपये यानी 70-72 हज़ार रुपये मैनेजर फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से मैनेजर को जाएंगे, ऊपर जाएंगे। 6% जो है ये 70-72 हज़ार रुपये बनेंगे अगर फर्स्ट जनरेशन मैनेजर की इनकम 1 लाख रुपये होगी तो। क्लियर हुआ आपको? इसी तरह से सेकंड जनरेशन मैनेजर की अगर लगभग इनकम उतनी ही है तो उसका आधा लगा लीजिए, कितना हो गया? 36,000। और उसके बाद अगर सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन मैनेजर की भी लगभग उतनी ही इनकम है तो उससे कितना आएगा? 18,000 है ना। तो इस तरह से ये इनकम जाती है, फर्स्ट जनरेशन मैनेजर, सेकंड जनरेशन मैनेजर, थर्ड जनरेशन मैनेजर, ये चलता रहता है। 6-3-2, 6-3-2, 6-3-2, ये चलता रहता है। ये कहाँ तक चलता रहता है पता है आपको? ये चलता रहता है 8वें मैनेजर तक। जैसे ही 8वां मैनेजर के बाद 9वां मैनेजर आता है, एक इनकम और शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं जैम बोनस। बड़ी जबरदस्त इनकम है, नींद उड़ जाएगी अगर आपने उस इनकम को समझ लिया तो। वो मैनेजर्स एंड एबव की ट्रेनिंग में आपको क्लियर होगा, या मार्केटिंग प्लान में या मैनेजर्स एंड एबव की ट्रेनिंग में, दोनों में आपको क्लियर हो जाएगा। मार्केटिंग प्लान की क्लास अटेंड करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, उसकी जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से सीसीबी जाती है, जो जब हम ईगल मैनेजर या मैनेजर रिट्रीट करते हैं तो वहां पर सीसी भी जाती है। अभी जो पीछे जो सीसी की कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें ये सीसी हमने इसी तरह से लिए हैं, हमने उसको कट करके ही लिए हैं। 40% सीसी जाती है फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से, सेकंड जनरेशन मैनेजर से 20%, और थर्ड जनरेशन मैनेजर से 10% सीसी मैनेजर को मिलती है। यानी कि ये 6% की रॉयल्टी फर्स्ट जनरेशन से मिली, लेकिन साथ साथ में 40% सीसी भी मिली। सेकंड जनरेशन मैनेजर से 3% की रॉयल्टी आई, लेकिन 20% की सीसी भी आई। इसी तरह से थर्ड जनरेशन मैनेजर से 2% की रॉयल्टी आई, इसी तरह से 10% सीसी भी आई। इस तरह से इनकम आती है।